इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई शहर के धार्मिक स्थल हाजी अली दरगाह का जल्द ही सुंदरीकरण किया जाएगा। हाजी अली दरगाह की सुंदरीकरण के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वस्त्र उद्योग और मुंबई शहर के पालक मंत्री असलम शेख ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। पालक मंत्री के अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक बुलाई गई और जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। हाजी अली दरगाह पर हर रोज हजारों की तादाद में लोग जियारत के लिए आते हैं। इसके अलावा विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। हाजी अली दरगाह का सुंदरीकरण बेहद ही जरूरी है और सुंदरीकरण के लिए बीएमसी अधिकारियों के साथ पुलिस डिपार्टमेंट और हाजी अली दरगाह के जिम्मेदारों के साथ असलम शेख ने बैठक भी की और सुंदरीकरण के लिए कहा कि वहां के अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। इसके अलावा एक खूबसूरत बड़ा यानी भव्य गेट भी बनाया जाएगा। मुगल गार्डन होगा जिसमें प्राचीन काल की तरह रोशनी और बैठने के लिए व्यवस्था होगी। तरह तरह के फूल और पौधे होंगे और मुख्य मार्ग से दरगाह के मार्ग तक का रास्ता बेहतर बनाया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए विजिटर प्लाजा जैसी सुविधा भी रहेगी। बताया जा रहा है कि हाजी अली दरगाह का सुंदरीकरण लगभग 2 सालों में पूरा होगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।